आज हम ऐसी सीरीज निकालने जा रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान की हिस्ट्री PIA के हवाले से अब बात करेंगे। 1946 मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बिजनेसमैन थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, MA इस्फानी, ये ओरिएंट एयरवेज कलकत्ता में बनी, इसका हेड ऑफिस था और कलकत्ता उस वक्त जो कि हिंद का हिस्सा था और हिंद हमारा भी हिस्सा था। यहाँ पे फिर हमारे पास थे 2 DC-3s, 3 crew members, 12 mechanics एंड वी स्टार्टेड आवर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आईमीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और आज हमारा टॉपिक है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। आए हम पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पहले जानते हैं। आज हम ऐसी सीरीज़ निकालने जा रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान की हिस्ट्री PIA के हवाले से अब बात करेंगे। तो इसकी सबसे पहली चीज़ है कि PIA बनी कब थी, और आज आपको मैं एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि आपको पता है कि PIA का पहला नाम क्या था? इट वॉज़ ओरिएंट एयरवेज। तो ये ओरिएंट एयरवेज PIA बनी कैसी, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो कहानी शुरू होती है 1946, मोहम्मद अली जिन्ना जब फाउंडर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त तो नहीं थे, बट एक साल बाद हमें आज़ादी मिलने लगी थी। 1946 मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बिजनेसमैन थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, MA इस्फानी, उनको बोला कि आप मेरे कहने पे एक एयरलाइन खोलें। और क्योंकि जिन्ना को पता चल गया था, कायद अजम को पता चल चुका हुआ था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले हैं, एक वेस्ट पे और एक ईस्ट पे, जहाँ पे हमारा एक सेक्शन जहाँ पे हम आज रहते हैं और एक सेक्शन जो हमारे से जुदा हो चुका है जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। अब आती है बात कि इनके दरमियान 1100 मील का फासला था, वो कैसे कवर करना था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि एक बिजनेसमैन को बिज़नेस चाहिए और कायदे आज़म की एक आइडियोलॉजी थी कि पाकिस्तान मिल के रहे, तो इसके वजह से हमें एक एयरलाइन मिली जिसका नाम था ओरिएंट एयरवेज। 23 अक्टूबर 1946 ये ओरिएंट एयरवेज कलकत्ता में बनी, इसका हेड ऑफिस था और कलकत्ता उस वक्त क्योंकि हिंद का हिस्सा था और हिंद हमारा भी हिस्सा था, हम उसी एरिया में रहते थे, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारे एक चीज़ थी। 1947 में ओरिएंट एयरवेज को अपना लाइसेंस मिलता है। अच्छा, पहले इन्होंने 1947 फरवरी के अंदर चार डगलस DC-3 लिए, जिनका रूट था कलकत्ता टू आकियाब एंड रंगून, अगर मेरे से नाम प्रोनंस ठीक नहीं हुआ तो माजरत। अच्छा, ओरिएंट एयरवेज ने हेल्प मांगी उस वक़्त ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज कॉरपोरेशन से टू स्टार्ट अप विद देयर रिलीफ ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन दिल्ली एंड कराची। तो पहली जो फ़्लाइट शुरू होनी थी वो दिल्ली एंड कराची से होनी थी। हाउएवर द एयरलाइन ट्रांसफर्ड इट बेस, क्योंकि अब 1947 का मूड आ चुका है, आज़ादी होने लगी है, तो इन्होंने अपना एक बेस बनाया ढाका के अंदर और एक कराची के अंदर। तो बेसिकली ये 2 capitals ऑफ पाकिस्तान थे, 1 was from east and 1 was from west। सो यहाँ पे फिर हमारे पास थे 2 DC-3s, 3 crew members, 12 mechanics एंड वी स्टार्टेड आर प्रोग्राम। जो ऑपरेशन था वो स्टार्ट होता है, हमारा जो इनिशियल रूट था वो था कराची लाहौर पेशावर, कराची क्वेटा पेशावर, एंड ओरिएंट एयरवेज वाज अ प्राइवेट कंपनी नाउ फॉर पाकिस्तान। बट जैसा कि आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी की ग्रोथ बड़ी लिमिटेड होती है, और उस वक्त जब पाकिस्तान नया नया बना था, एक नया मुल्क, नया बिज़नेस, तो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट चाहिए था। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टेट एन ओन एयरलाइन जो कि PIA का ब्रांड बना। तो यहाँ से पाकिस्तान की एयरलाइन की बुनियाद रखी गई थी, एंड ओरिएंट एयरवेज जो है PIA के साथ इमर्ज होती है, एंड 1955 में 10 जनवरी को PIA फाइनली फॉर्म होती है। ये थी PIA की हिस्ट्री और ये थे PIA के फैक्ट्स। आगे जाके और हिस्ट्री के लिए जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वेट करें पार्ट 2 के लिए।